हेलो, हाउ आर यू? वेल, होप यू आर स्टेइंग सेफ, राइट? और बाद बाकी आप लोग बढ़िया भी हैं, मज़ेदार भी, मज़े में भी हैं. दैट इज़ व्हाट आई होप. एनीवेज, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फर्दर विद द रिवीजन. हम लोग इस क्लास में फिर रिवीजन के साथ थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं. एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी कंपेयरिंग नंबर्स. हम लोग जो है नंबर्स को कंपेयर करेंगे, और कंपेरिजन का जो है दो बेसिस होगा, ग्रेटर एंड स्मॉलर. ग्रेटर मतलब हो गया ज्यादा बड़ा, और स्मॉलर का मतलब हो गया ज्यादा छोटा. अब इसे मान लो कि मेरे हाथ में ये एक इरेजर है और ये जो है एक मार्कर है. दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है, राइट? दोनों में से कौन छोटा है, राइट? सिंपल है. वैसे ही तो मान लो कि नंबर्स की भी औकात होती है ना. हम लोगों ने क्या देखा था कि गिनती में जो नंबर पहले आएगा उसकी औकात कम होगी, जिसकी जो नंबर बाद में आएगा उसकी औकात बढ़ती जाती है. जैसे 5 बड़ा है या 10 बड़ा है, बताओ? ऑफ कोर्स 5 बड़ा है, राइट? 1 2 3 4 5, एक ही हाथ हुआ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कितना हो गया? दोनों हाथ हो गया. तो एक हाथ ज्यादा बड़ा या दोनों हाथ मिला के ज्यादा बड़ा? ऑफ कोर्स दोनों हाथ ज्यादा मिला के बड़ा है कि नहीं? तो इसी तरीके से बाकी नंबर्स भी काम करते हैं. अब इसे मान लो कि आपके पास दो नंबर दिया गया, 46, और दूसरा नंबर मैंने दिया आपको, लेट्स से 72. अब दोनों में कौन ज्यादा बड़ा है? अब देखो, जब भी तुम कंपैरिजन करते हो ना, तो कंपैरिजन करने का एक सिंपल तरीका क्या होता है पता है? प्लेस वैल्यू के आधार पर कंपेयर करो. अब देखो, इसके वंस के प्लेस पर क्या है? 2 है. इसके वंस के प्लेस पर क्या है? 6 है. ठीक है, तो ज़्यादा है. लेकिन इसके टेंस के प्लेस पर कितना है? 7 × 10, 70 है ना. इसके टेंस के प्लेस पर क्या है? 7 है. तो 7 × 10 70 हो गया. इसके टेंस के प्लेस पर क्या है? 4 ही है. तो 4 × 10 कितना हो गया? 40. तो अब एक चीज बताओ, 40 बड़ा है या 70 बड़ा है? ऑफ कोर्स 70 बड़ा है. 7 की वैल्यू 4 से ज्यादा है ना, तो 70 बड़ा है. और इसलिए जो है 72 जो है वो 46 से बड़ा है. इसको तुम इस तरीके से कह सकते हो कि 46 जो है वो 72 से स्मॉलर है. 46 इज स्मॉलर देन 72. ऐसे लिख सकते हैं इसको हम. 1 मिनट, क्या लिखेंगे हम? 46 इज स्मॉलर देन 72. ठीक है, अगर स्मॉलर देन जो है, इज स्मॉलर देन, इसके जगह पर जो है कई बार इस सिंबल का भी यूज होता है. इज स्मॉलर देन मतलब कि इससे छोटा है, उसकी जगह पर जो है छोटा का चिन्ह दे दो. जैसे कि तुम ऐड की जगह पर क्या देते हो? ऐड का चिन्ह हम ऐसे दे देते हैं ना. सब्ट्रैक्ट की जगह पर क्या देते हैं हम? बस ये चिन्ह हो गया ना. वैसे ही जो है इज स्मॉलर देन का चिन्ह क्या हो गया? ये पीछे की तरफ जो मुड़ा रहेगा. तो 46 इज स्मॉलर देन 72. अगर वही, अगर मान लो कि 72 इधर रहे और 46 इधर रहे, तो हम इस चिन्ह को बदल देंगे. 72 इज ग्रेटर देन 46. क्या लिखा जाएगा इसको? इज ग्रेटर देन 46. 72 जो है वो 46 से बड़ा है. तो ये किस चीज का साइन हो गया? तीर जब इधर की तरफ मुड़ गया तो इज ग्रेटर देन, तीर जब पीछे की तरफ मुड़ा तो इज स्मॉलर देन. तो ग्रेटर देन कब होगा? जब दायां वाला नंबर जो है वो अगर, सॉरी, बायां वाला नंबर अगर दायां वाले नंबर से बड़ा है तो हम जो है ग्रेटर देन का यूज करेंगे. ठीक है, दूसरी तरफ दायां वाला नंबर, सॉरी, बायां वाला नंबर अगर दायां वाले नंबर से छोटा है तो फिर जो है हम स्मॉलर देन का यूज करेंगे. बिल्कुल सिंपल है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी जगह पर कुछ और नंबर्स यूज करता चला जाऊं, दिखा दूं आपको. थर्टीन, 31, क्या है? फिर से देखो, यहाँ पर दायां वाला ज़्यादा बड़ा है या बायां वाला ज़्यादा बड़ा है? ऑफ कोर्स बायां वाला जो है वो छोटा है, दायां वाला जो है वो बड़ा है. तो हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट बनाएंगे.
ठीक है, 13 इज स्मॉलर, याद है ना ये वाला चिन्ह क्या हो गया, इज स्मॉलर देन, तो 13 इज स्मॉलर देन 31, क्या लिखेंगे, इज स्मॉलर देन 31। उसी जगह पर अगर मान लो कि हमको मिल जाए 88 और 22, तो यहां पर देखो फिर से क्या है, बायां वाला जो है वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है और दायां वाला जो है वो छोटा दिख रहा है, तो यहां पर हम कौन सा चिन्ह देंगे, ये चिन्ह दे देंगे, और स्टेटमेंट क्या होगा इसका, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, आई गेस इट्स वेरी इजी, समझ में आ जाएगा। तो वेल बेस्ड ऑन दिस यू कैन डू द एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, और इसके साथ मोटा मोटी जो है आपके रिवीजन का एक और हिस्सा खत्म हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन नंबर पैटर्न, और उसके बाद जो है हम लोग फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब की कहानियों पर बढ़ जाएंगे। ओके, आई होप इट वॉज फन, टेक केयर, बाय बाय।